अच्छा जाज भाई जी, जनाब जनाब, अभी मैं आपसे कुछ एक आध बात पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि आजकल आप कतर में जो है ना वो बहुत ही फेमस हो चुके हैं जनाब, और स्पेशली जब से हमने आपकी जो है 25th जो है वेडिंग सेरेमनी जो सेलिब्रेट की है, तो उसके बाद जो है आप माशाल्लाह से आप जो हमें जो है ना रूप और नखार आ रहे हैं काफ़ी बहुत हद में, और दिन ब दिन आप जवान भी होते जा रहे हैं। तो ये जब मतलब जितनी जिधर जितनी आपकी वीडियो जो वायरल हुई है जो चर्च वाली खसूसी तौर पे है, तो इसमें मतलब लोगों को बताएं, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे सुनने वाले देखने वाले हैं पूछ रहे हैं कि मतलब पूछते हैं कि मतलब क्या दोबारा शादी की है, क्या हुआ है, ये थोड़ा सा लोगों को बता दें कि ये क्या है। जनाब बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी ज़्यादा कम्प्लीमेंट मुझे दे दी कि मैं मेरे में रूप और निखार आ रहा है। तो ये जब इंसान अंदर से खुश होता है तो रूप भी आता है निखार भी आता है, जब सेटिस्फेक्शन होती है तो रूप और निखार भी आता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अपनों से प्यार करें तो रूप और निखार भी आता है। बिल्कुल। दूसरी बात यह है जनाब कि जब मैंने अपनी वेडिंग एनिवर्सरी 25 साल की मनाई तो मैंने चर्च में वॉज लिए थे, वादों की तजदीद होती है जिसमें आप फिर इकरार करते हैं कि मैं अपनी बीवी से का वफादार हूँ, बीवी कहते हैं मैं अपने शोहर का वफादार हूँ। तो ये निकाह नहीं होता, बेसिकली हम वो निकाह के वादों की तजदीद करना होता है। तो वो काफ़ी लोग थोड़े परेशान हो गए कि जाज भाई ने शायद दोबारा शादी कर ली, या क्रिश्चियंस में 25 साल के बाद दोबारा शादी होती है, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली वो शादी के वादों की तजदीद की जाती है चर्च में जाके, कि भाई हम वादे उसी वादे को दोबारा दोहराते हैं कि हम आइंदा आने वाली ज़िंदगी में भी, आइंदा ज़िंदगी के सालों में भी इसी तरह वफादार रहेंगे जैसे पिछले सालों में। तो ये चर्च में ब्लेसिंग एक्चुअली फादर देते हैं, प्रीस्ट देते हैं, निकाह दोबारा नहीं होता, मेरा निकाह वही है और वही बीवी है। अच्छा, तो माशाल्लाह डॉक्टर साहब आपकी जो अभी जिंदगी के 25 साल जो है शादी के, ये ज़ाहिर है कि इंसान की ज़िंदगी में नशेब व फराज आती रहते हैं जी जी। तो इस रूज पे आके आपका जो प्यार मोहब्बत है, खाली आपकी तरफ से नहीं दोनों तरफ से, वो सेम ऐसे ही है कि जैसे जो है ना आप कल ही मिले हैं। तो न्यू कपल्स के लिए आप क्या लेसन, कोई सबक या कोई नसीहत करना चाहेंगे? जनाब जो वो लोग जो अभी शादी करना जा रहे हैं या करना चाहते हैं या अपने पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं या ढूंढ चुके हैं और निकाह के बंधन में बंधना चाहते हैं, उनके लिए मेरा छोटा सा पैगाम है, जिंदगी का एक फलसफा, एक छोटा सा असूल है कि आप अपनी बीवी के सच सच बोलें, वफादार रहें, कुछ भी करें उसको अपने एतमाद में लें। और वो जो आपकी हम सफ़र है, जो आपके साथ शादी करने के लिए राज़ी हुई है, उसको अपना महसूस करें, और जब यकीन करें आप उसकी बात में उसकी तारीफ़ करेंगे ना, और वो तो खुले में नहीं समाएगी। हम दोनों ने जो ज़िंदगी का सफ़र शुरू किया, शुरू में बड़े मसले मसाइल घरेलू होते हैं, छोटे चाकियाँ, वो ऐसा मैं नहीं कहता कि हम फरिश्ते थे, लड़ाई झगड़े भी होते हैं, लेकिन ज़िंदगी के लंबी दौड़ के लिए जो है ना एक दूसरे का वफादार रहना और एक दूसरे को हर चीज़ बताना, जब हमें मुझे मालूम है कि मेरी बीवी और मैं हम खुल के आपस में बात करते हैं, और खुदा का शुक्र है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ वफादार हैं और खूबसूरत ज़िंदगी जी रहे हैं। तो यही है कि जनाब जिससे भी आप शादी करें कि वफादार रहें, ऐसा ना हो कि वो आजकल फिल्में आती हैं ना मैं किस किस से प्यार करूँ, आप सिर्फ किस किस से प्यार ना करें, सिर्फ एक से प्यार करें तो आपको मज़ा आएगा। जी डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह से हमारी जो बहन है, हमारी भाभी जो हैं, एक बेमिसाल मसाल हैं और आप एक बेमिसाल मज़ाइल हैं। तो आपको जो है इसी तरह जो है खुदावन जो है ना आगे बढ़ाता चले, और वो दिन भी आए कि जब हम लोग भी ऐसे ही रहें और आपको जो ना आपकी जो है गोल्डन जो जुबली है वो भी आपको इसी तरह मनाते देखें। अब ये खुदा के सारे मंसूबे हैं, हमें तो हर पल जो है ना उसको एंजॉय करना है, हर पल में उस रब की जात की तारीफ करनी है। बिल्कुल, बेशक बेशक बेशक, चाहे सूखी रोटी हो चाहे मीठी रोटी हो, खाएं और खुदा का शुक्र अदा करें, इसी में खूबसूरती है। ओके जी, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, गुड नाइट।